सांसद जी, राजवीर सिंह जाडो, परदेश अड्डा का बस बहुत बढ़िया सब साथ के साथ अंदर मिलाकर चले। आज इस मंच पे लोगों ने सब अपने भेदभाव भुलाकर थोड़े से आह्वान पे आह्वान हमने निकला। आह्वान तो ही अपने आप ही होगा, कोई लोग कहने वाला तो आम के बाद बात नहीं। याद भी हमें कहने वो तो कुछ अल्लाह किस तेरू की है, बातचीत के ऊपर है। हम तो बढ़ावे हैं वहां स्कूल का मैदान है, उसमें चलना मेरा भाई ठीक आओ। आप लोग समय समय पर पत्रकार बंधु रह गए, इनका तो नाम रह गए, तो बहुत कुछ लिखे भाई पत्रकार बंधु सुरक्षाकर्मी दिन में तेल तो बहुत थी, रात कितना एक जुकर मातम सा छा जा इस तरह की बात हो रही थी। सारे कोई जहां से भी फोन आ रहे, एक किसान के सम्मान को ठेस पहुंची, किसान के सम्मान को ठेस पहुंची उसी के उसमें हमने फिर भी जब मैडम क्या बात हुई, हमने तो घोषणा कर दी धरना उठ लिया, हमने उसका तो नहीं तो सोची बात भाई रुकते हो तो मैं बोलती थे तो पंजाब में इज्जत से उठा लो और ही कुछ बात। एक जो भाजपा के में विधायक है नंद किशोर, उनकी हम उनकी बुराई नहीं करते, नहीं नहीं एक तो बताओ तुम्हें अरे सुनो 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 पहले अरे जो नहीं करता के तुम होते के आगे थे इनका करो जी कुछ इलाज चल गए इलाज सच्चाई के अच्छाई के उसमें आप लोगों के अनुशासन के उसमें आप लोगों की मेहनत के उसमें वे सारे फेल होते जा रहे। जो ये आरोप लगा रहे कैसे कैसे आरोप लगा रहे वे सब फेल हो रहे, कोई एक भी आरोप आ गया सब खत्म हो रहे। इन्होंने 1 लाख के लिए वाला आरोप हम बैरियर तोड़ सके, ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ा सके, लाठी डंडे मार सके, कतल कर सके, पर हम युवा निकलने गए, हम युवा निकलने गए। जोर से आरोप मारे पड़ेगा आप लोगों के भरोसे ये लड़ाई छोटी नहीं जाएगी। मैं आप लोगों को बताऊं
इस परिवार में हमेशा किसान की मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। ठीक है साहब, चौधरी चरण सिंह जी को, ठीक है साहब, चौधरी चरण सिंह जी को काली ऊपर उतार कह रहे थे भाई, या क्या गड़बड़ हुई कि ऊपर हुआ मामला? एक तो कोई टिकट सफाई देने को कुछ नहीं, बहुत गलती करी भाया हम आप लोगों को बता रहे कि हमको राजनीतिक संगठन है, जो पर भी बातचीत है भाई भाई थे पूछे हो गए, बहुत जबर के साथ मुकाबला करूंगा। अगर यू संगठन अगर यू संगठन ना खड़ा हो तो कोई अपने को परिकृत नहीं बड़ा धूमधाम मान दो भीतर बाहर रहे, कोई भी उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी अपने को मान दो सब है ये मजा चल हाथ में मारा बंद मेरे साथ में मुकाबला तो करें और मारा बिगाड़ा भी बैठी वो आप लोग हो जिंदाबाद। पहले की एक ही बात है, मारे दो भाई चौधरी 26 जनवरी का विरोध तो ही वो भी ना बैठ गया, एक जो किसान मानने के लिए तैयार है हमारे साथ, इन्हें किसके भरोसे छोड़ता भाई? सही बात, इन्हें किसके भरोसे छोड़ते हैं? हमारे तो आपको छा कर ले हमारे को तो दूध पीने लगा देते हैं तो, और हम आप लोगों को छोड़ कर अपने इतिहासों पर अपने इतिहासों पर असर होने के पड़ेंगे। उठी चले जाओ, जान चले जाओ, अगर कोई परवाह नहीं, बिल्कुल कुछ भी वाली हमारी आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ धोखा नहीं होगा। सही बात है, ये होने 2013 में हिंदू मुस्लिम का वो करवा तो हमारे किसान भाई सुखे भाई बहुत सुखे हैं, कितने साल यकीन कर ले इसमें ये कामयाब होंगे, इसमें कामयाब हो गए आगे नहीं होने के आगे मन में तक आए दो। हम आप लोगों को यही कह रहे बात की आगे कोई सा भी चुनाव हो बात किसी का अकीन कर लिया भाई ने कहा कह लिया जिंदाबाद बातचीत आज अपने शासन में इनकी झंडा लगाने की हिम्मत नहीं, उत्तर प्रदेश में केंद्र में इनकी सरकार है, मतलब इतना तो होया किसी ने कुछ तो पाया तो नहीं, इनका झंडा लगाने की विवाद है बातचीत का झंडा लगाने की इतनी शर्म ही ना रही, इतनी शर्म आ रही हमने इतनी अर्दारी कर ली। हम आप लोगों को एक बात बताओ, एक कहावत है भूख गई भोजन मिला, हमें रांची त्यागी के क्या बात है सुनो, भूख गई भोजन मिला, जाते गई उपास, जो बन गया पीड़िया मिली, तीनों बेकार सिमरिया हो गए सिंझा भी दोनों नए नए भूख गई भोजन मिला जी, भूख नहीं रहती रहती भाई जन लगती, जाता गई उपास, जाता चला जा रहा उपास, उपास का कुछ नहीं होता, और जो बन गया कोई बुढ़ापे भी बन गया क्या क्या
परसों दिमाग चलाया बताऊ में एक बार है ना तो आप लोग भाई सिमर जाओ और फकीर कौन से आई आप लोग आदेश आदेश ही होगी होगा ठीक होगी बात आदेश अभी कर दो आदेश कर दो ये अनुशासन पे 33 साल तक संगठन चल रहा सिर्फ आपके अनुशासन पे आप लोग हर चुनौती का सामना करो दिल्ली तक फोन आया बातचीत सारी चल रही दिल्ली तक फोन आया सुनो वहां से वे लोग मैंने कहा वहां इतनी दुनिया जान ली और जा गया वहाँ इतनी दुनिया जा ली आज कोई ज्यादा निर्णय लियो वहाँ जाएगा ये आदमी जूपर भी अपनी व्यवस्था बनावे आज तो मैं घर जाऊँ कल को जिसका भी मिजाव है बिल्कुल वाला बनाई हो बात अब जाना यह लेन लगाओ उनका काम चलता रहना चाह उनका काम चलता रहे आप लोगों ने बहुत ही थोड़े से समय में बहुत ही थोड़े से समय में कुछ भी समझ नहीं सिर्फ 7-8 घंटे का रास्ता समय था और इतना विशाल जनसंख्या हो गई मतलब आप लोगों को जितने भी हैं आगे हैं किसी की सबकी आस्था है भाई सबकी आस्था है सर जो गांव में भी हमने भी आस्था है भगवान से आप लोगों को समय बचा के कोई से भी दिन नहीं आई इसी बात का इंतजार है कोई से भी दिन वो हो सरकार बिल्कुल फेल हो गया आपके इस आंदोलन के हम क्या उसमें जो आप लोगों की पंचायत हुई इसका सरकार बिल्कुल फेल हो रही किसी की हिम्मत नहीं वहां हाथ लगाते